भिवंडी के 90 नगर सेवक में से भिवंडी के भाजपा के पूर्व नगर सेवक यशवंत जयराम टावरे को नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन महाराष्ट्र की ओर से महात्मा गांधी पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वहीं मैं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुंबई रेलवे पुलिस के आयुक्त क्वेसर खालिद, वहीं आर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष शब्बीर खान के साथ भिवंडी परिमंडल 2 के डीसीपी योगेश चौहान को आमंत्रित किया गया था। बता दें कि पूरे महाराष्ट्र भर से लोगों को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। वहीं भिवंडी के भाजपा के पूर्व नगर सेवक यशवंत जयराम टावरे के कार्य को देखते हुए दिनांक 7 अक्टूबर 2022 को नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन महाराष्ट्र की ओर से महात्मा गांधी पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वहीं हम आपको बता दें कि भिवंडी के 90 नगर सेवक में से एकमात्र नगर सेवक यशवंत जयराम टावरे को चुना गया। वहीं पूरा महाराष्ट्र भर में 20 लोगों को यह अवार्ड दिया गया, जिसमें से भिवंडी से नगर सेवक यशवंत जयराम टावरे को चुना गया। उनको महात्मा गांधी पीस अवार्ड 2022 देकर सम्मानित किया गया, जिसे देखते हुए वार्ड नंबर 20 के लोगों ने नगर सेवक यशवंत जयराम टावरे का स्वागत फटाकों और आतिशबाजी के साथ और फूल माला पहनाकर किया। वार्ड के लोगों में खुशी का माहौल भी देखने को मिला। वहीं हमारे चैनल के माध्यम से नगर सेवक यशवंत जयराम टावरे ने सभी का आभार प्रकट किया और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस खबर में। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि पूरे भिवंडी में 90 कॉर्पोरेट में से मुझे चुना गया और महाराष्ट्र में 20 अवार्ड बांटे थे, उसमें अपने भिवंडी से मेरे को चुन के मुझे मेरे काम का जो मेरा तरीका है उससे और प्रोत्साहित किया गया, तो आगे बढ़ के मैं और काम अच्छा करूँगा, ऐसा मैं मेरे को इस अवार्ड मिलने से मुझे लग रहा है। वहीं क्या कहना चाहेंगे, आपके वार्ड में लोगों में एक जलूस देखने को मिला? लोगों को खुशी ये हो गई कि हमारे कॉर्पोरेटर को जो अवार्ड मिला है वो लोगों के वजह से ही मेरे को मिला है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे हर टाइम प्रोत्साहित किया और मेरा साथ दिया, तो उसके वजह से मैं उन लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जोश था, उन लोगों ने पटाखे फोड़ के हार पहना के मेरा स्वागत किया जैसे मिला, तो इसलिए मेरे को और मतलब प्रोत्साहन मिल गया उन लोगों से कि और अच्छा इससे भी अच्छे काम करते रहूं, बस यही मैं उन लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ।